मॉर्निंग गाइस, आज का ब्लॉग शुरू होता है हमारे घर से एंड आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, बिंदास हो गए। तो आज है छोटी दिवाली और छोटी दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। रात में जो ट्रैक्टर आया था उसकी होनी थी पूजा, तो अभी थोड़ी देर में पूजा हो जाएगी। पंडित जी आके ही पूजा करेंगे और जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनकी सारी पूजा वगैरह हमारे जो घर के पंडित हैं मंगू पंडित जी, वही सारी पूजा वगैरह करते हैं। क्या क्या है तुम्हारे पास पटाखों में? हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम इसको दिखाएंगे। ये हमारे सुपरी बम है ना, ग्रीन कलर के, और ये कौन से वाले? मिर्ची पटाखे, मिर्ची बम। और हमारे पास 60 कलर्स बम है, चुटुर पुटुर है, अनार है, रॉकेट है, फुलझड़ी है, ऐसे ही मल्टीपल बहुत सारे बम हैं और फुलझड़ियाँ भी हैं। बहुत सारे पटाखे लाए हैं, सिवाय भी लगे हुए हैं। अब इनको फटाक से हम लोग अंदर रख देंगे क्योंकि हम लोग को पटाखे कल जलाने, आज नहीं। एक और अनबॉक्सिंग करेंगे खाली, एक ये है, बाकी हम लोग आप कल देखेंगे। बहुत प्यारा नाम है, एक बार बता दीजिए भाभी इसको क्या बोलते हैं प्यार से? भसीड़े। जैसा लगता कोई गाली तो इसका नाम है भसीड़ा, गाली जैसा। नहीं मिलता है लखनऊ तरफ, नहीं लखनऊ की तरफ नहीं मिलता तो है, बट नाम ये नहीं बोलते ना। हाँ, ये इधर ही बोलते हैं। हाँ उधर कमल ककड़ी बोलते हैं, इधर भसीड़े बोलते हैं। सही है, वो देखते हैं कैसे उड़ेगा ये। अच्छा ये किसने दिया आपको? वाओ, तो इट्स योर दिवाली गिफ्ट, अमेजिंग। ओ शिवाय, व्हाट इज दिस प्लेन? नो इट्स नॉट प्लेन, इट्स अ ड्रोन। दिवाली की तैयारियां चल रही हैं और गार्डन भी सेट हो रहा है। भैया आ गए हैं, सारे पेड़ों की कटिंग हो रही है ताकि ये प्रॉपरली शेप में आ जाएं। और ये बीच वाला, ये वाला जो पेड़ था ये थोड़ा सा टिल्ट था, बट अभी इन्होंने कटिंग करी है तो ये एकदम सही हो गया है। अगर आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा तो हल्का सा टेढ़ा है। यहाँ पे मम्मी पापा और शायद मुझे, हम तीनों को पेड़ों से काफी लगाव है, बाकी सबको भी है, बट हम लोग शायद ज्यादा पेड़ों से मतलब रखते हैं, तो अच्छी बात है। छोटा सा गमला पड़ा हुआ था तो मैंने भैया से कहा कि भैया इस वाले गमले में भी, ये वाले गमले में भी एक मनी प्लांट लगा दीजिए, इसको मैं साफ सूफ करके टेबल पे रख दूँगी। गार्डन में भी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, सब लोग लगे हुए हैं सजाने में। और जो ये वाली लाइट है, ये वाली, इसका लुक काफ़ी डिफरेंट होगा, ये मैं रात में दिखाऊँगी कि कैसा दिखता है। तो लाइटें वगैरह लग गई हैं आंगन वगैरह में भी, और ये देखिए तो अंदर भी सारी लाइटें लग गई हैं। और इस तरफ अभी लगनी बाकी है, ये वाले आंगन में अभी नहीं लगी है, तो दिखाती हूँ आपको। अभी इधर शायद रुक करके लगेगी, तो अभी इस तरफ बाकी है पूरा, और बाहर लग रही है लाइटें, देख रहे होंगे आप सब लोग लगे हुए हैं। एक बंदा ये लगा हुआ है, एक बंदे गेट पे, और एक ये ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा घर है तो एक बंदा तो पूरी लाइटिंग कर नहीं पाएगा, काफ़ी लोग चाहिए होते हैं लाइटिंग के लिए। तो अभी पूरा घर सज रहा है और रात में हम अपना व्यू दिखाएंगे कि कितना शानदार लगता है जब सारी लाइटें जलेंगी। तो सारे खिलाड़ी काम करते करते थक गए और सबको चाहिए एक रिचार्ज ड्रिंक, और सबने अपनी लस्सियाँ खोल ली हैं, धन्यवाद। तो चलिए इंजॉय करते हैं अपनी लस्सी, बाय। मैंने बनाया था ये प्यारा सा क्यूट सा बर्ड वॉल हैंगिंग, और ये मैं मम्मी के लिए लाई थी, मम्मी के मंदिर में लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा क्योंकि दिवाली का टाइम है और दिवाली पे कुछ ऐसी फेस्टिव चीजें अच्छी लगती है डेकोर में। तो चलिए लगाते हैं इसको। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है क्योंकि कोई जगह ही नहीं समझ में आ रही, तो तुमने सोचा यहीं पे लगा देते हैं। और हमारी लाइटें भी लग चुकी हैं, अंधेरा हो जाए फिर दिखाती हूँ।
तो आज बनने वाली है सिंघाड़े की सब्जी और हम लोग छील रहे हैं और शिवाय को ये सिंघाड़े ले जाके गैया को खिलाने हैं। हम इतनी मेहनत से सिंघाड़े छीले और इनको गैया को खिलाने, यहाँ खुद को खाने को जल्दी मिलते नहीं, इनको गैया को सिंघाड़े खिलाने। और क्या पुण्य करो, सिंघाड़े खिला के गैया को, और क्या किसको देना है। आज है छोटी दिवाली, इसलिए आटे का दीपक बनाया है और ये यमराज के लिए बनाया जाता है ताकि अकाल मृत्यु ना हो। और हमारे घर की प्रथा है कि ये दीपक हम पूरे घर के सारे कमरों में दिखाते, एक एक कोने में जा कर के इसको दिखाते हैं, घुमाते हैं, उसके बाद इसको ला कर के नाली के पास रख देते हैं। तो ये यहाँ की प्रथा है। हमारा खाना बन चुका है और खाने में बनी है ये सिंघाड़े की सब्जी, भाभी ने बनाई है। और इधर बन रही है चाय, कुछ गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए चाय बन रही है। दिवाली का टाइम है तो वैसे भी आना जाना लगा ही रहेगा लोगों का। तो शिवाय जब से यहाँ पे आए हैं तब से उनको इतना मज़ा आ रहा है, पूरे टाइम उनको बाहर जाना है और इतने सारे लोग हैं संभालने के लिए कि दिक्कत नहीं हो रही है। वहाँ जब नोएडा जाएगा तब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे तो इतने सारे लोग होंगे नहीं, तब ये बहुत परेशान करेगा हम ही लोगों को। दोनों भाई लगे हुए हैं पॉपअप वाला पटाखा छुटाने में। शिवाय को भी दो एक सत्या। अरे वाह, एक और दे दो। भैया भैया फेंको फेंको नीचे फेंको। अरे वाह शिवाय, लो वो फुस निकल गया। हमारे आंगन का व्यू और ये 360 व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, और पूरे आंगन में रेड लाइट लगी हुई है, काफ़ी शानदार लग रहा है। दिवाली कुछ भी कहो घर पे ही मज़ा आती है, वेरी नाइस। बाहर लेके चलते हैं। तो ये रही गार्डन की लाइट और ये बैंक पे भी लाइट लग गई है, क्या शानदार लग रहा है, वाह। फाइनली खाना बनाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर। कैसी लगी लाइटिंग? बहुत अच्छी है ना, बहुत सुंदर लाइटिंग करी है, मतलब पूरा घर एकदम जगमगा रहा है, काफी सुंदर लग रहा है, काफी रेड कलर, पूरा रेड, भाजपा कलर, भाजपा ही है ना। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ, और कल है बहुत सारा काम, पटाखों की रात में होगी बरस साथ, लेकिन काम के आगे सब बेकार बेकार। कल बनेंगे बहुत सारा खाना, क्या क्या बनेगा भाभी? वो तो कल ही डिसाइड होगा, कल बताएंगे, रात में डिसाइड करेंगे। रात में नहीं, पर इतना श्योर है कि पनीर की सब्जी होगी। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं कल, और इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।